पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सभा आगे आई है। किसान सभा ने किसान आंदोलन के समर्थन में रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। किसान सभा ने हिमाचल में किसान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी व तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने बताया कि जिस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, आज उसी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। केंद्र सरकार में बैठे नेता किसान आंदोलन को कभी खालिस्तान से जोड़ते हैं तो कभी क्षेत्रीय आंदोलन बताते हैं। का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के साथ था। उस विचार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। दुर्भाग्यपूर्ण आज 73 साल के बाद इस देश में हमारे केंद्र के अंदर उस विचार से संबंधित जो सरकार इस समय सत्ता में है, और उस सरकार का काम करने का तरीका है कि पूरे देश के अंदर एक इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाई जाए, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम से, कभी हिंदू और सिख के नाम से, कि लोगों को बांट कर रखा जाए, और अगर कुछ ना हो तो किसानों को क्षेत्र के आधार पर बांटा जाए। पिछले 65-66 दिनों से जब से ये आंदोलन चला है, सरकार का प्रयास है, कभी कहते हैं कि ये केवल पंजाब से संबंधित आंदोलन है, कभी ये पंजाब और हरियाणा का है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।